हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति का ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर ज़्यादा है तो कौन कौन से फल और सब्जी हैं जो सबसे ख़राब है उनके लिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जिसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से फल सब्जी अच्छे हैं ट्राइग्लिसराइड्स वाले पेशेंट्स के लिए, जिसमें कुछ फ़ायदे हैं ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट को लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे कौन कौन से फल सब्जी उनको नहीं लेना चाहिए जिससे ट्राइग्लिसराइड के मेटाबॉलिज्म पे उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से फल सब्जियाँ ट्राइग्लिसराइड पर अफेक्ट करती हैं। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड एक एनर्जी करेंसी जैसा है, एक फैटी सेल्स को या फैट के मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, फैटी एसिड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बॉडी इसको यूज़ करती है। कोई भी चीज़ जिसमें हाई फैट कंटेंट है या हाई ऑयल कंटेंट है या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, ये सारी ही चीज़ आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बुरा करेंगी। और जो भी चीज़ों में फैट कंटेंट कम है, यानी फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, शुगर कंटेंट कम है, वो आपके ट्राइग्लिसराइड के पेशेंट के लिए अच्छी है। सबसे पहले बात करेंगे ख़राब फ्रूट्स के बारे में। कोई भी ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश है, अखरोट है, अंजीर है, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें अगर आप इनको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो, वैसे तो थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो फाइबर, विटामिन, मिनरल्स आपको मिलता है, लेकिन रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक दिन भर का लगभग 30 ग्राम्स यानी 28 ग्राम्स है। इससे ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं तो इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है और कैलोरी डेंस बहुत ज़्यादा फूड रहते हैं, इसलिए आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाएंगे। इसके बदले आप फ्रेश फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि बेरीज है, एप्पल्स है, ऑरेंजेस है, ये सब चीज़ों में शुगर कंटेंट कम रहता है, तो ये ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छी है। ये सारी चीज़ें आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है और हार्ट डिजीज़ को भी कम करती है। तो ड्राई फ्रूट्स के कंपैरिजन में फ्रेश फ्रूट्स अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है फ्रूट जूसेस वगैरह भी ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि फ्रूट जूस वैसे तो एक अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर फ्रूट्स अवेलेबल ईजीली नहीं रहते, वहाँ पर फ्रूट जूस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जाता है। पर लेकिन ये प्रायरली पैक्ड या प्री पैकेज फ्रूट जूसेस जो होते हैं, यानी कि जो बॉटल हो के पैक होके कहीं से आते हैं, ताज़ा हमारे सामने नहीं निकाला जाता है, वो फ्रूट जूसेस में बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है और फाइबर कंटेंट इसमें कंपेरेटिवली कम रहता है, क्योंकि सारा पल्प वगैरह तो निकाल दिया जाता है, खाली आपको उसका फ्लेवर दिया जाता है और आपको कुछ इन्ग्रीडियंट्स उसके रहते हैं जिससे आपको थोड़ा सा महसूस होता है फ्रूट खाने जैसा, लेकिन वो एक्चुअली फ्रूट जैसा नहीं होता है, उसमें फ्लेवर्स ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें जो शुगर कंटेंट है और जो इसमें फ्लेवर्स वगैरह, इससे आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स पर इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ जाएंगे। इसके कंपैरिजन में अच्छा है कि आप फ्रेश फ्रूट्स लें या फ्रेश फ्रूट्स का जूस सामने अगर लेते हैं तो अच्छा है फिर भी, लेकिन अगर जूसेज आप ले भी रहे तो उसमें शुगर कंटेंट बिल्कुल नहीं ऐड करवाना है, क्योंकि वो फ़ायदा करने के बदले उल्टा नुकसान करेगा। इसके बदले में आप अगर नींबू पानी वगैरह लेना चाहें या खीरे की स्लाइसेस वगैरह ले सके एज एन ऑप्शन टू फ्रूट जूस तो ये अच्छी है, ये ट्राइग्लिसराइड लेवल के लिए अच्छी है, बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेशन भी इनसे मिल जाता है और इनसे आपको क्या ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ते नहीं हैं। इसके अलावा बनाना यानी केला भी ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, इससे भी ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ता है। इसमें हालांकि कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटाशियम और फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, तो अगर थोड़ी क्वांटिटी में खाए तो ये फ़ायदा करता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो ये नुकसान करता है। इसके बदले आप एवोकाडो को प्रेफर कर सकते हैं, जो बनाना का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, शुगर कंटेंट इसमें लो होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं और ट्राइग्लिसराइड कम करने में उल्टा मदद करता है, इस पे फाइबर और पोटाशियम कंटेंट आपको अच्छा मिल जाता है। तो बनानास के बदले अगर एवोकाडो जैसा फ्रूट आप पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा अल्टरनेटिव अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा पाइनएप्पल भी एक अच्छा फ्रूट नहीं है, अगर किसी को ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है तो ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट्स को में अगर ज़्यादा मात्रा में आप पाइनएप्पल खाते हैं तो इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, कम मात्रा में खाते तो ब्रोमोलिन और विटामिन सी होता है जो कि अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाते तो शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने में काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे आम के बारे में, जो कि फलों का राजा माना जाता है। इंडियन सिनेरियो में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं आम को, क्योंकि ये बहुत अच्छा और टेस्टी फ्रूट है। हमारे यहाँ पे तो समर महीनों में सबसे ज़्यादा आम को ही लोग पसंद करते हैं बेस्ट फ्रूट के तौर पे, और अलग अलग फ्लेवर्स में अलग अलग तरह का फ्रूट्स भी आता है, तो ऑब्वियसली समर महीनों में तो ये सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट माना जाता है। इनफैक्ट राउंड द ईयर भी जहाँ पर भी अवेलेबिलिटी है वहाँ इसको खाया जाता है। कम मात्रा में खाएं तो विटामिन सी और फाइबर कंटेंट अच्छा है, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो शुगर बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बिगाड़ेगा। इसके बदले अगर पपाया पपीता अगर आप एज एन ऑल्टरनेटिव पसंद कर दें तो उसमें शुगर कंटेंट कम होता है, कैलोरीज कम होती है और पेपेन करके एक एंजाइम होता है जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को कम भी करता है, डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ग्रेप्स भी ख़राब फ्रूट माना जाता है, यानी ग्रेप्स में भी शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाता है। थोड़ा मात्रा में खाते हैं तो इसमें
कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, जैसे रेस्वेट्रॉल करके एक एंटीऑक्सीडेंट रहता है, ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। यानी बेसिकली कोई भी फ्रूट जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, या चाहे वो फ्रूट जूस हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो पाइनएप्पल्स हो, चाहे वो ग्रेप्स हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा कोई भी फ्रेश फ्रूट्स वगैरह आप लेते हैं, सिट्रस फ्रूट्स लेते हैं, खीरा वगैरह का जूस लेते हैं, या पपाया वगैरह लेते हैं, ये सारे ऑल्टरनेटिव अच्छे माने गए हैं। ग्रेप्स के बदले ग्रेप फ्रूट को लेते हैं, तो हालांकि एंटायर डिफरेंट फैमिली है, तो आप उसको प्रेफर करते हो तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्दी अल्टरनेटिव है। अब बात करेंगे कौन कौन से वेजिटेबल्स सबसे ख़राब है। वेजिटेबल्स में सबसे ख़राब पोटैटो है। पोटैटो यानी आलू, बेसिकली इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टार्च होता है, जो कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो तुरंत कार्बोहाइड्रेट्स के तरह से शुगर जल्दी इसका अब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी का शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जो कि ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट्स के लिए बुरा है। थोड़े मात्रा में इसमें पोटेशियम फाइबर तो रहता है, लेकिन अगर आप आलू को ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया वाले पेशेंट्स के लिए बुरा है। इसके बदले अगर आप आलू के बदले अगर स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद को लेते हैं, कंपेरेटिवली, हालांकि ये भी स्वीट होता है, लेकिन कंपेरेटिवली इसमें कैलोरीज कम होती है और इसमें कुछ ग्लाइसिमिक इंडेक्स रेगुलर आलू के कंपैरिजन में कम रहता है। आलू का अगर ग्लाइसिमिक इंडेक्स 85 है तो उसका 70 है, तो इसमें कंपेरेटिवली थोड़ा सा हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है और आपको इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। कुछ इसमें फाइबर और बीटा कैरोटीन का कंटेंट रहता है, चूँकि हार्ट डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा कॉर्न यानी मक्का, ये भी एक स्टार्ची वेजिटेबल है, जिसमें रैपिड इंक्रीज आपका शुगर लेवल्स पे होता है, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स में बढ़ जाता है, और इसमें हालांकि थोड़ा मात्रा में खाते तो फाइबर और विटामिन सी कंटेंट अच्छा है, लेकिन शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाता है। बदले में अगर ब्रोकली या इस तरह की चीज़ों को आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा बीट रूट में भी यही है कि बीट रूट में भी शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाता है। कुछ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट जैसे फोलेट और फाइबर वगैरह रहते हैं, लेकिन शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है तो वो सडनली शुगर लेवल्स को बढ़ाता है, तो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स के लिए नुकसानदायक है। इसके बदले अगर हरी साग सब्जी वगैरह आप ज़्यादा प्रेफर करें, पालक वगैरह को ज़्यादा प्रेफर करें, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, ये सब रहता है, जो कि हार्ट से प्रोटेक्ट करता है प्रॉब्लम्स में और बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम भी करता है। नेक्स्ट है कैरेट्स यानी गाजर। गाजर भी एक इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है, काफ़ी कॉमनली लोग खाते हैं, थोड़ी मात्रा में खाए तो विटामिन ए और फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा सकता है। हालांकि फिर भी गाजर एक अच्छा वेजिटेबल है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड के पेशेंट्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसके बदले कोई भी हरी साग सब्जी, ब्रसल्स स्प्राउट्स या इस तरह की चीज़ें आप लेते हैं तो इसमें शुगर और कैलोरीज कम रहता है, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व भी मिल जाते हैं, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन भी मिल जाता है, जो कि आपको हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। मटर का भी यही है, मटर में भी शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, वैसे तो लेग्यू में प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा होता है, फाइबर कंटेंट भी अच्छा होता है, लेकिन शुगर कंटेंट भी हाई होता है। ज़्यादा मात्रा में आप मटर भी खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है। बदले में आप अलग अलग तरह की बाकी दालों को लेते हैं या बाकी स्प्राउट्स वगैरह को लेते हैं, तो उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। मटर उतना अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है। बेसिकली कोई भी वेजिटेबल जिसमें अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में आप लेते हो, चाहे वो आलू है, चाहे वो मटर है, चाहे वो गाजर है, चाहे वो कॉर्न है, ये सारी चीज़ों में कंपेरेटिवली आपका शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में इनको लेने से कुछ खास फ़ायदा नहीं करता है। आपको ये सारे फल सब्जियों को भी अवॉइड करना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ड्राई फ्रूट, फ्रूट जूसेस, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये सारी चीज़ें फ्रूट्स में ख़राब है। पोटैटोज़, कॉर्न, बीट्स, पीज, मटर, गाजर, ये सारे सब्जियों में ख़राब है जिन लोगों को भी ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है। इनके कंपैरिजन में आप बेरीज ले सकते हैं, एप्पल्स ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, एवोकाडो जैसी सब्जियां ले सकते हैं, ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, शकरकंद ले सकते हैं, ब्रोकोली, पालक ले सकते हैं और ब्रसल्स स्प्राउट्स ले सकते हैं, अलग अलग तरह की दालें ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके ट्राइग्लिसराइड कंटेंट को बेटर करती हैं और आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को भी बेटर करती है। तो ये बेटर ऑल्टरनेटिव है उन लोगों में जिनमें ट्राइग्लिसराइड कंटेंट ज़्यादा है। तो आज हमने टॉपिक में बात की कौन कौन से फूड स्टफ्स ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हैं और क्या उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें,
ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बेस पर हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं 1 मिनट में। इसे आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और फ्रेंड्स फैमिली सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं एज हेल्थ टिप्स। हमारे चैनल पर कंटेंट ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए बहुत सारे कंटेंट को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाए हुए। जिस भी तरह के टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उसके प्लेलिस्ट को क्लिक करिए तो आपको उससे रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा जो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।